सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मौसम एक बार फिर बदलने के पूरे आसार बने हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। दिल्ली के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। मध्यम गति से हवा चलने की वजह से सुबह और शाम हल्की ठंड लग रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और साथ ही बूंदाबांदी की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 9 मार्च को भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आज के तापमान की अगर बात करें तो दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आज से मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 मार्च के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव हो रहा है। वहीं राजस्थान के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार पूरे पूरे बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पंजाब में बादल छाए रह सकते हैं और आज और कल भी हल्की बारिश हो सकती है और इसके बाद 9, 10 और 11 मार्च को भी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बीच मध्यम गति से हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। पंजाब में अधिकतम तापमान आज 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रह सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश होने के पूरे अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तेज बारिश होते दिख सकती है। कश्मीर के श्रीनगर में आज अधिकतम तापमान 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू में आज अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रह सकता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में भी आज बादल छाए रहेंगे और धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 16 डिग्री के आसपास। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी बीते दिनों बर्फबारी और बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, ठंड महसूस की जा रही है। वहीं आज के मौसम की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रह सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।